नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अपना वेट पिछले 6 महीने में 14 kg कम किया है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैंने अपना वेट पिछले 6 महीने में 14 kg कम कैसे किया। तो आज से 6 महीने पहले की बात है, जब कोरोना चाइना पे जब आया था, तो वहाँ से जब ऑरिजिनेट हुआ था वुहान में, तब उस टाइम पे मेरा वेट मोर देन 88 kg हो गया था। मेरा हाइट 5'9" है, तो मेरा जो BMI इंडेक्स है उस टाइम पे मोर देन 28 हो चुका था। और मुझको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आने लग गए थे। मुझको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे कि मैं मुश्किल से 1 किलोमीटर भी वॉकिंग नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसके बाद एक मुझको एक मोटिव मिला कि नहीं, मेरे को अपना वेट कम करना है ताकि मैं अपने आप को और इनर्जेटिक महसूस कर सकूं। उसके बाद फिर मैंने एक अपना रूटीन बनाया। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, तो उसमें बहुत लोगों ने बताया है कि नहीं, आप दिन में आप ऐसे खाएं, आप साग सब्जी खाएं, आप रोटी बंद कर दें, चावल बंद कर दें और ये सब करें। तो मुझको ये सब बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं, ये सब चीज़ें तो चलिए ठीक है कि अलग अलग है, कि उस टाइम पे BMR भी आ गया था जो कि बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म रेट है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हद तक एक एक्सरसाइज भी बनाया था कि नहीं, कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये इतना अमाउंट में खाना है। फिर मैंने एक आयुर्वेद के ऊपर आया, तो आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल ढंग से ये बताया हुआ था, तो मैं बस उस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मैंने काफ़ी हद तक अपना वेट भी कम किया, जो मैं आज सक्सेसफुल हूँ वेट कम करने में, इसलिए मैं ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मेरा जो जॉब का जो लाइफ है ये करीब करीब आपका 9 आवर्स का मेरा वर्किंग होता है, जो कि मेरा 10 AM से लेकर 7 PM तक मेरा चलता है। मुझको इस बीच में फिर अपना काम भी सारा करना होता है, तो ये सब चीज़ को लेके मैं अपना रूटीन में खुद ही बनाया था कि मैं किस तरीके से मैं इस चीज़ को हैंडल करूँ। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अपना रूटीन कैसे बनाया जिसको कि फॉलो करके मेरा वेट इतना कम हुआ, और आप भी इस चीज़ को फॉलो करके अपना वेट कम कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने 5 बजे में उठने का प्लानिंग किया हुआ था, तो मैं डेली 5 बजे में मॉर्निंग को मैं बेड से उठ जाता था। फिर उसके बाद मैं उठते ही 2 गिलास अपना गर्म पानी में पीता था, तो सुसुम पानी जैसे हम पिए। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं वॉकिंग करने के लिए निकल जाता हूँ। वॉकिंग करने के लिए मैं मिनिमम 5 to 6 किलोमीटर मैं डेली वॉकिंग करता था। लेकिन डेली का मतलब ये है कि वीक में मैं हमेशा 5 डेज वॉकिंग करता था या मैं जॉगिंग करता था, 2 डेज मैं अपने बॉडी को रेस्ट भी देता था, क्योंकि जब आप इतने बॉडी को प्रेशर दे रहे हैं तो आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए भी समय चाहिए। तो 2 डेज में हमेशा रिकवर करने के लिए मैं अपने आपको बॉडी को मैं समय देता था। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया कि कम से कम आपका जो 1 आवर है, या 1 आवर में जैसे कि आप 5 to 6 किलोमीटर वॉकिंग कर रहे हैं, और काफ़ी तेजी से वॉकिंग करना है, ऐसा नहीं कि सिंपल वॉकिंग आपको करना है कि आपको पसीना निकलना चाहिए, अच्छा खासा पसीना निकलना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जैसे आप घर पे आते हैं तो आप उसके बाद रेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टाइम पे फिर मैं रेस्ट करता था, फिर मैं 1 से 1.5 घंटे करने 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं अपना जूस में पीने लगता है। तो जूस में भी आप कोई भी जूस पी सकते हैं, बनाना शेक भी पी सकते हैं, बनाना का भी पी सकते हैं, आप पपाया का भी पी सकते हैं, गुआवा के भी ले सकते हैं, किसी का भी आप सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आप सीजनल फ्रूट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, और ये काफ़ी सही होता है। आप हमेशा फ्रूट्स को मॉर्निंग में ही कंज्यूम कीजिए, आपके बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। और जो मॉर्निंग में जो चाय पीते हैं, तो चाय तो आप गलती से भी नहीं पिए, अगर आपको चाय अगर पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ काफ़ी अच्छा सेहत के लिए अच्छा होता है। गुड़ के बारे में मैं काफ़ी एक अच्छा वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ इसके बाद, तो आप उसके बारे में बताऊंगा कि गुड़ में क्या क्या आपके लिए लाभदायक चीज़ है जो आपको डेली सेवन करना चाहिए। उसके बाद मैं सिंपल मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल जो डाइट होता है मैं वही डाइट लेता हूँ। मैं ज़्यादा वो साग सब्जी वाला वैसा नहीं, जो मेरा जो नॉर्मल डाइट है अपना खाना पीना जो रोटी सब्जी मैं लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपना ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। फिर मैं दोपहर के टाइम पे मैं हमेशा जो लंच लेता हूँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जो कच्ची सब्जियाँ हैं, तो जैसे कि खीरा हो गया, बीटरूट्स हो गया, आपका ककड़ी हो गया, तो कोई भी ऐसा सब्जी जो कि आपके लिए जो कि आप कच्चे खा सकते हैं,
तो उस चीज को आप हमेशा, मैं लंच से पहले मैं उसको खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना लंच लेता हूँ। तो नॉर्मल लंच में आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल जो डाइट आपका जो मील होता है, आप उस चीज़ को ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप अपने जो नॉर्मल जो आपका जो प्लान लेने के बाद में, आप साथ में दही का सेवन जरूर करें। दही का सेवन करने से आपके जो पाचन तंत्र है काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। और अगर आपको गैस की अगर दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा अजवाइन हमेशा आप खा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद में बोला जाता है कि अजवाइन हमेशा दोपहर में खाना चाहिए, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अब हम आगे मूव आउट करते हैं डिनर का केस में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डिनर का जो खाना होता है आपका, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको 6:30 से 7 के बीच में आप खाना खा लें, या 7:30 तक, मैक्स टू मैक्स 7:30 बजे तक आप खाना खा लें। तो आप खाना कितना खाएं, तो आप जैसे कि आपका दो सुबह का जितना खाना होता है, उसका आधा खाना आप रात में खाएं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रात का खाना खाने के बाद आप कम से कम 2 घंटे के बाद ही सोएं, और उस 2 घंटे में गिन के 1,000 कदम चलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैक्सिमम लोगों से ये गलती होती है कि आप वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो सो जाते हैं। तो वो जो आपका जो चर्बी होता है, वो डायरेक्टली आपकी स्किन लेयर में आ जाता है, और वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और आपका धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स होने के लिए होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो रात का खाना है, खाने के बाद में 2 घंटे के बाद ही सोएं, और कम से कम 1,000 कदम चले सोने से पहले। ये सो सब चीज़ें। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है आपका पानी पीने का तरीका। जो नॉर्मल मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है कि पानी पीने के तरीके में क्या है कि वो एक बार में पानी पी जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम समय है और हमें मुझको पानी पीना है, तो वो एक के बाद गटगट गटगट करके पानी पी जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे गलत चीज़ है। आपको जब भी पानी पीना है, आप हमेशा घुट घुट लगा के पानी पीजिए। तो आप चुस्की लगा के, जैसे आप चाय पीते हैं वैसे आप पानी पीजिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ चुस्की लगा के भी पानी पीते हैं, तो मैं गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो वेट है ऑटोमेटिक कम होते होते चला जाएगा। मतलब कि कम होने का मतलब है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपका वेट नॉर्मल होते चला जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और उन लोगों को जरूर बताइए जो कि आप नॉर्मल डेली लाइफ में अपना वेट को कम करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।